मौजों की सियासत से मायूस ना हो, गिरदाब की हर तह में साहिल नजर आता है। जनता के हितों को साधने का उद्बोधन देकर आप लोग सत्ता में आते हैं और आप कुछ ही वर्षों में ऊंची इमारतों के किसी कोने से उसी जनता को मूर्ख बनते हुए देखते हैं। वाह नेताजी, क्या खूब बनाते हैं आप हमें। आज एक वर्षों पुरानी बात आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। वर्ष 2009 के अगस्त माह की कोई शाम रही होगी। मैं उस समय के तत्कालीन भाजपा जिला अध्यक्ष अमीचंद जैन के रानीवाड़ा स्थित निवास स्थान पर चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी अमीचंद जी के फोन की घंटी बजती है। शायद दिल्ली से किसी का फोन था। उसमें जो शख्स बोल रहा था उसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन आवाज साफ साफ मेरे कानों में आ रही थी। अगली आवाज यह थी कि अमीचंद जी, आपके जालौर सिरोही की सीट क्लियर हो गई है, कोई देवजी पटेल करके है। अमीचंद जी कुछ देर खड़े रहकर फोन काट देते हैं, फिर उसी वक्त किसी और को फोन घुमाते हैं, लेकिन इस बार वे बालकनी में जाकर बतियाते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पास आकर बोलते हैं, भाई रतन सिंह, पार्टी ने देवजी पटेल को टिकट दिया है। सांचौर के पास जाजूसर गांव का निवासी है और इनके पिता माशिंगाराम क्षेत्र में अच्छे खासे समाज सेवी है। तब मैं अमीचंद जी से बोल पड़ा, भाई साहब, कभी नाम नहीं सुना देवजी भाई का। तब अमीचंद जी बोल पड़े, सुना तो मैंने भी कहा था, अब किसी से पूछ कर जानकारी लिए। मैं समझ गया कि संगठन ने थोप दिया है, अब कार्यकर्ता जाने और उनके काम। इसके बाद की राजनीति तो आप सब जानते ही होंगे। चुनाव होते हैं और शिकारपुरा के सारे देवजी भाई सांसद बन जाते हैं। फिर क्या था, कभी शिकारपुरा, कभी बहुसंख्यक चौधरी समाज और कभी मोदी की लहर। लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक बनाकर अब हमारे सामने है देवजी पटेल। लेकिन क्या यही सब बदला है इन 12 वर्षों में? नहीं, बहुत कुछ बदला है। मैं आज उसी बदलाव की बयार पर चर्चा करने के लिए आप सबके बीच हूँ। आज का मुद्दा कुछ यूं है कि आहोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ी विजयश्री राजपुरोहित के पति रूपराज पुरोहित ने जालौर पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टांक को पंजीकृत डाक के जरिए एक शिकायत प्रेषित की है, जिसमें लोकसभा सांसद देवजी एम पटेल पर जो आरोप मढ़े गए हैं वो कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2015-16 में सांसद देवजी पटेल की पत्नी इंदिरा बहन के नाम आय 0 अर्थात शून्य बताई गई है। वहीं इसके अगले वर्ष ही सांसद की पत्नी के नाम 3,03,74,602 रुपए का इंडिया बुल हाउसिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से लोन लिया गया है, जो वाणिज्य एवं आवासीय भूखंड के लिए लिया गया है। इसके अलावा सांसद कार्यकाल में करीब 6 करोड़ की संपत्ति खरीद की गई है, लेकिन यह राशि कहाँ से आई इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। शिकायतकर्ता रूपराज रदुआ ने बताया है कि तत्काल समय में केंद्र व राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, ऐसे में पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से धन कमाया गया है। पिछली 9 जून को पंजीकृत डाक के जरिए जिला पुलिस अधीक्षक के नाम भेजी गई इस शिकायत से सूबे की राजनीति में एक बार की तो हलचल पैदा कर दी है। वहीं इस संदर्भ में सांसद पटेल का कहना है कि यह शिकायत पूर्णतया निराधार है, क्योंकि चुनाव में जो शपथ पत्र दिया है उसमें इसका पूर्ण रूप से उल्लेख है, अगर गलत होता तो चुनाव आयोग देखता। सांसद पटेल ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते लगाना बताया है। वहीं शिकायतकर्ता रूपराज रदुआ का कहना है कि केंद्र में बीजेपी सरकार होने के कारण मामला दबने की आशंका है, जिस कारण उन्होंने राज्य सरकार की जांच एजेंसी से जांच कराने का निवेदन किया है। रूपराज ने कहा है कि वे संदर्भ में आयकर और प्रवर्तन निदेशालय में भी शिकायत दर्ज करवाएंगे। अब चाहे यह बात राजनीतिक प्रतिद्वंदता की क्यों ना हो, अगर इसमें लेश मात्र भी सच्चाई निकलकर सामने आती है तो एक बात तो निश्चित है कि महज 18,000 रुपए महीना कमाने वाली सांसद पटेल की धर्मपत्नी इंदिरा बहन अहमदाबाद के तपोवन सर्कल के पास 3 करोड़ का आलिशान बंगला कैसे खरीद सकती है। चलो मान लिया कि खरीद हो गई, अब सवाल यह उठता है कि हर माह 3 लाख रुपए की किस्त वो कैसे अदा कर रही होगी। खैर छोड़िए, जब जांच सामने आएगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जांच का भी क्या है, कब बदल जाए, क्योंकि एक उल्लू ही बस काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा।
नई हवाओं को मोहब्बत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। मिलना चाहा है इंसान ने जब भी इंसान से, तो सारे काम ये सियासत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था, मियां ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, निरंतर टॉप में मैं रतन सिंह राव आप सबका इस्तकबाल करता हूं। अब नजरें डालते हैं आज की खबरों पर। सबसे पहले आज का मेडिकल बुलेटिन। जिले में आए 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 202। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल ने बताया कि कोरोना संक्रमण जांच हेतु भिजवाए गए सैंपल में से सोमवार को आई रिपोर्ट में 9 कोरोना संक्रमितों की सूचना प्राप्त हुई है। पॉजिटिव आए लोगों में उम्मेदाबाद में 2, संखवाली में 1, बांसड़ा दंजी में 5 एवं खिरोड़ी निवासी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं डॉक्टर देवल ने बताया कि संदेहास्पद व्यक्तियों एवं कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों में से जिले में अब तक कुल 17,774 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 16,293 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। जिले में अब तक कुल 202 व्यक्ति कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 307 सैंपल प्रक्रियाधीन है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न। जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिश्कॉम जोधपुर, विद्युत वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को अपने अपने कार्यों के प्रति सजग रहने व समय पर उचित कार्रवाई करने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपवन संरक्षक मंगल सिंह राठौड़, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कविया, अधीक्षण तकनीकी सहायक जे मैनारिया, जिला उद्योग अधिकारी बेलाराम, RCHO डॉक्टर RS भारती, उप निर्देशक अशोक विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। विशेष श्रमिक रेल से प्रवासी चेन्नई के लिए रवाना। जालौर सहित आसपास के विभिन्न जिलों के प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष श्रमिक रेलगाड़ी जालौर से सोमवार शाम 5:30 बजे चेन्नई तमिलनाडु के लिए रवाना हुई। भगत की कोठी जोधपुर से रवाना हुई यह विशेष श्रमिक रेलगाड़ी भीलड़ी, अहमदाबाद, बड़ौदा, जलगांव, अकोला, बल्लाट, विजयवाड़ा, गंटूर होती हुई चेन्नई जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर CL गोयल के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी चंपालाल जिंदर के मार्गदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग एवं एडवाइजरी का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेज सत्यापन पश्चात सैनिटाइजेशन किया गया। दोपहर से ही यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों का रेलवे स्टेशन पर आगमन प्रारंभ हो गया था। जालौर स्टेशन से जालौर जिले के जालौर, आओर, सायला, भीनमल, रानीवाड़ा, सांचौर, चीतलवाड़ा, जसंतपुरा व बागोड़ा उपखंड सहित पाली, शिरोही, उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर जिले के सैकड़ों प्रवासी श्रमिक चेन्नई के लिए रवाना हुए। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की माकूल व्यवस्था के बीच समाज सेवी नरेंद्र बालू अग्रवाल सहित रेलवे प्रबंधन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी एवं राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। जिला प्रशासन ने बांटे नागरिकता प्रमाण पत्र। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर CL गोयल एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार ने सोमवार को 6 व्यक्तियों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए। जिला कलेक्टर ने मालवेंद्र सिंह एवं डील कवर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने राम सिंह एवं कोजराज सिंह तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नरपत कवर एवं प्रदीप सिंह को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। उक्त नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरवाए गए। जिले के उम्मेदाबाद गांव में कर्फ्यू। उपखंड मजिस्ट्रेट चंपालाल जिंगर ने ग्राम उम्मेदाबाद में COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति मिलने से तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब ग्राम उम्मेदाबाद राजस्व सीमा में निवासरत सभी नागरिक अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर पाएंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर जनसाधारण के आगमन एवं निर्गमन हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपरोक्त क्षेत्र में अव्यवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थाएं बंद रहेगी तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी।
काम मांगो अभियान के अंतर्गत बांटे मास्क। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जालोर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम काम मांगो अभियान के अंतर्गत जिले की पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत तीखी के पहाड़पुरा गांव में ग्रामीणों से संवाद कर मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों को मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर AICC सदस्य एवं पंचायत राज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र कसाना, जिला अध्यक्ष शंभू सिंह कावावत, तीखी सरपंच प्रतिनिधि नाथू सिंह बालावत, उप सरपंच परमेंद्र सिंह, ग्राम रोजगार सहायक जोराराम मेघवाल मौजूद रहे। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। तो ठीक साथियों, शुभरात्रि, सब्बा खैर, कल फिर मिलेंगे आपके प्यारे चैनल दी रतन टॉप पर। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटा दबाना ना।